अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग हैरियत से होंगे। तो व्लॉग के स्टार्ट से ही आपको पता चल गया होगा कि आज मैं जो व्लॉग आप लोगों के लेकर आई हूँ वो है तो ज्वेलरी से रिलेटेड ही, लेकिन ज्वेलरी कौन से बाज़ार की है? ज्वेलरी है जी अनारकली और बानो बाज़ार की। आप लोगों को आज मैं ये दिखाऊंगी कि कौन सी ज्वेलरी का जो है वो ट्रेंड चल रहा है, कौन सी ज्वेलरी जो है वो सस्ती है, कौन सी महंगी है, और साथ साथ ज्वेलरी के रेट्स भी आप लोगों को मेंशन करूंगी। और ये भी बताऊंगी कि आउटसाइड जो ज्वेलरी लगी हुई थी उसके क्या रेट्स थे, और बानो बाज़ार के अंदर जो ज्वेलरी लगी हुई है वो कौन से ट्रेंड की लगी हुई है और उसके कितने रेट्स हैं। ओके जी, जैसा कि ज्वेलरी के स्टार्ट में यानी कि वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा कि रिंग्स भी जो हैं इस तरह की स्टोन की बनी हुई थी, यानी कि छोटे छोटे से पत्थर की, और एयर रिंग्स भी। तो इस तरह के बेशुमार सेट्स की वैरायटी भी लगी हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पत्थर यानी कि स्टोन से बने हुए थे ये सेट और डिफरेंट कलर्स में मौजूद थे। ओके जी, इस तरह की जो माला थी नवरत्न माला और जिसकी लड़ियां जो थी वो पल्स में बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल ये चल रही हैं ड्रेसिंग के ऊपर। आज फिर वो बैन वाला गला भी होना, आपका सूट प्लेन है थोड़ा सा काम वाला जिस तरह का भी है, तो ये वाली जो माला है ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। बानो बाज़ार में इसका रेट 2500 है और आउटसाइड इसका क्या रेट है वो आगे चल के वीडियो में आप लोग देखेंगे, लेकिन बानो बाज़ार में जो है ना इसका जो रेट था ना वो 2500 था। ये इस वक्त जो है ना हम बानो बाज़ार में मौजूद है और अभी आपको सारे मैं बानो बाज़ार के कलेक्शन दिखा रही हूँ। और ये नवरत्न एयररिंग्स हमने पूछे थे 1000 के उसने कहा था और 750 में उसने हमें दिए थे। ओके जी, बानो बाज़ार में एयर रिंग्स और सेट को ख़रीदते वक्त जो है ना जब हमने कलर चूजिंग्स की बात की तो उन्होंने हमें ये कहा कि आप अगर इसी सेट का कलर चेंज करवाना चाहें तो हम इसी टाइम आपको जो है ना वो स्टोन्स का कलर चेंज करके दे सकते हैं आपके ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मतलब जिस तरह का सेट या एयर रिंग्स हम लोग चाहते हैं वो हमें उसी तरह के जो है ना वो स्टोन बना कर दे देंगे। सेट और नेकलेस की नस्बत ना यहाँ पे माला की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। छोटी माला भी बनी हुई थी, बड़ी भी, यानी कि जिस साइज़ में आप लोग चाहते हैं। इसके अलावा जो है ना ज़्यादातर जो है ना ये नीचे से झुमके टाइप जो बालियाँ होती हैं वो वाली बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने, मतलब मिक्स ट्रेंड लगा हुआ था, ओल्ड भी न्यू भी। और ये पंखी बालियाँ, पंखे वाली बालियाँ, मतलब कि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, उस पर बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं।
पर्ल्स की यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी लगी हुई थी पर्ल्स की, जो है वो बैंगल्स यानी कि कड़े, चूड़ियाँ, बालियाँ, पूरे पूरे सेट भी जो था ना ये पर्ल्स के इस तरह से ऑफ वाइट कलर के जो मोती होते हैं ना उस तरह के काफ़ी कलेक्शन लगी हुई थी कि सामने बेशुमार ज्वेलरी लगी हुई, इसमें नई पुरानी सब मिक्सअप लगी हुई थी। लेकिन बानो बाज़ार में जितने भी ज्वेलरी थे ना वो ट्रेंडी थी। ये अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर वाली साइड के जो है ना वो सारे डिफरेंट ड्रेस थे यहाँ पे। कुछ पूरे पूरे सेट्स मिनी जो थे वो 250-350 रुपीज़ में थे। जो बालियाँ थी वो तो ज़्यादातर जो थी ना 250-150 रुपीज़ की रेंज में थी, यानी कि अंदर की निस्बत ना बाहर वाली साइड पे जो है ना ज़्यादा अच्छी, मतलब रेट्स जो थे ना वो बहुत रिजनेबल और अफोर्डेबल थे। ओके जी, आज की वीडियो को जो बनाने का पर्पज़ है ना वो यही है कि मैंने आप लोगों के साथ ज्वेलरी के डिफरेंट जो हैं वो ट्रेंड शेयर किए आप लोगों के साथ, कि कौन सी ज्वेलरी जो है वो ट्रेंड में चल रही है, बानो बाज़ार में क्या ट्रेंड में है, आउटसाइड जो है जो ज्वेलरी के रेट्स हैं वो क्या हैं या क्या ट्रेंड में चल रहा है। बाकी आप लोग जब भी शॉपिंग किया करें थोड़ा सा घूम फिर के देख कर बार्गिंग करके जो है ना वो शॉपिंग किया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अनारकली के बाहर भी वही रेट्स हैं और अंदर जो है वो उसी चीज़ के डबल रेट्स लगे हुए हैं, और हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ में भी फ़र्क हो लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जितना ज़्यादा कि रेट्स में फ़र्क होता है। सो शॉपिंग करना ना करना ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ज्वेलरी के अंदर जो है वो ज्वेलरी में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वो सारा मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में इस वीडियो के साथ शेयर किया है। ओके जी, बाकी मेरी एक ये सजेशन है कि एज अ ब्राइडल अगर आप अपनी ज्वेलरी की जो है शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप बानो बाज़ार से कर सकते हैं, और घर के जो नॉर्मली फंक्शंस होते हैं जैसा कि मेहंदी वगैरह तो उसके लिए आप आउटसाइड लगे स्टॉल से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मेरा आज का ये जो व्लॉग वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।